अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वाल्कर का 10th एडिशन है, चैप्टर 24 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रॉब्लम 37। हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, जबकि हमें एक पॉइंट पोजीशन वेक्टर दिया जा रहा है जो कि कह रहा है अगर पोटेंशियल रीजन में 2xyz स्क्वायर है तो v वोल्ट में है, xyz मीटर्स के अंदर है। अब हमें जो पोटेंशियल दिया गया है इसमें एक्स की डिपेंडेंस भी दिखाई गई है, वाई की भी, जी की भी, तो हम तीनों के कंपोनेंट्स निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्स कंपोनेंट भी, वाई भी और जी भी। तो पहले हम एक्स के लिहाज से सॉल्व करेंगे। अब आपके पास पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स है, एक्स के लिहाज से जब सॉल्व करेंगे तो एक्स कट जाएगा, 2xyz रह जाएगा। अब हमारे पास वाई की वैल्यू भी है, जेड की वैल्यू भी है, वो प्लेस कर देंगे तो ये 64 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। इसी तरीके से दोबारा से इसे लेके सॉल्व करेंगे, मगर अब वाई के लिहाज से करेंगे तो वाई वाई के साथ डिफरेंशियल हो जाएगा, -2xz के आ जाएगा। एक्स की वैल्यू भी है, जी की वैल्यू भी है, वो लग जाएगी -96 वोल्ट पर मीटर। अगेन एट द एंड हमारे पास जी के लिहाज से कंपोनेंट है, जी के लिहाज से सॉल्व करेंगे तो ये 2 नीचे उतरेगा तो ये 4 आ जाएगा फार्मूले का, -xyz। अब हमारे पास एक्स भी है, वाई भी है, जी भी है, सारे को लेकर सॉल्व करेंगे तो ये 96 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। हमसे चूंकि मैग्नीट्यूड पूछा गया था, अब हमारे पास एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है, जी कंपोनेंट भी है, सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेके जमा करके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आपके पास 150 वोल्ट पर मीटर के करीब जवाब आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।